दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से, इन हसीन वादियों से और चिन्यालीसौड़ की खूबसूरत झील से। और मैं हूं आपके साथ विवेक बिष्ट। और दोस्तों आज मैं देखिए चिन्याली, पुरानी चिन्याली जिसे कहते हैं, जोगत रोड, वहाँ पे हूँ अभी। और आज जो है चिन्याली का मेला लगा है। और मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं चिन्याली के मेला हूँ, हम कुछ काम से आए थे। बट देखिए भाई जी की कार पे आए हम, तो अभी मैं आपको थोड़ा चिन्याली का मेला एक्सप्लोर कराऊंगा। मैं पिछली बार भी आया था, आप मेले का आनंद लीजिए तब तक। मेरे प्यारे मूल को दिल ढोल लाई घूरले, ढोल लाई घूरले, ढोल लाई। और दोस्तों देखिए जब आते हैं चिन्याली से तो यही है स्टील आर्च ब्रिज, और इसको तो आप पहचानते होंगे भली भांति। और देखिए एकदम नीली सी लग रही है झील चिन्याली की। और दीपक भाई हैं और आगे दीपेंद्र महर, और दो लोग थे वो चले गए पीछे चिन्याली मेरे पीछे। तो सॉरी दोस्तों मैंने बताया नहीं यार, भाई एक दो भाई बोल रहे थे, मैंने बताया नहीं मैं चिन्याली आ रहा हूँ। मतलब एकदम से मेरा प्लान बन गया अर्जेंट आने का, तो इसके ऐसे ही आ गया मैं। और नीचे नाव लगी हुई है, मेरी बड़ी तमन्ना है नाव पे बैठने की, बहुत ही ज़्यादा तमन्ना है, पर अगर भाई जी बैठाएंगे तो। और ये देखिए नज़ारा, एक मिनट। और ये चिन्याली स्टील आर्च ब्रिज पे हूँ मैं अभी। और ये पुल जो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, जो निचली गमरी पट्टी यानी कि जो हमारी साइड वाली जिसे कहते हैं गंगा पार को जोड़ता है, तो एक टाइम पास था जो नीचे के दो पुल हैं डूब जाते हैं पानी में, तो ये पुल इतने ऊपर बनाया गया कि ये भारत का शायद दूसरे नंबर का स्टील आर्च ब्रिज है। इसमें सारी बॉडी जितनी लगी स्टील ही स्टील की लगी है सारी। ये जॉर्ज ब्रिज बन गया है और यहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आती है। और देखिए इधर सब पिकनिक बनाने आती है, कॉलेज कोई नहीं पढ़ती, सारे लोग आते हैं क्योंकि इसका क्रेज ही बहुत तगड़ा वाला है। पुल का नाम ही सुन के जो भी आता है एक ना एक बार फोटो जरूर डालते हैं इधर। एक सोशल क्या बोलते हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट, बहुत ही ओपी वाला सीन। कितने साल हो गए इसको बने? ढाई साल के आसपास। इसकी हालत भी एकदम खराब हो गई, सड़क पूरी की पूरी डामर पूरा पड़ गया। हाँ ये तो पूरी खराब हो गई है, क्योंकि होता ही है एक बार काम होने के बाद दोबारा इसको कोई देखने नहीं आया। मतलब ये क्रेज तो है पुल का, बट क्या करें, अफसोस अफसोस ये है कि जो हमारे PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाले हैं वो देख नहीं रहे इसको। मतलब एक जमाना था जब पुल पे जो भी आता था बंदा एक ना एक फोटो अपलोड जरूर करता था सोशल मीडिया पे। हाँ ये पूरी तरह से जॉर्ज ब्रिज नहीं बन पाया, इसी बात का प्रूफ है। तो दोस्तों एक बार आपको डोबरा चांटी के पुल जरूर ले जाऊंगा, मेरा प्लानिंग बन गया। और यहाँ पर मैं जो मेरा मून मेटिव था यहाँ का आने का, तो मैं आपको थोड़ा विजिट कराऊंगा, यानी कि देवीधार वाला, मतलब जहाँ पे देवीधार का मेला लगता था पहले, क्या बोलते हैं, जगह तो डूब गई है पर लेकिन उसका उसको स्थानांतरण कर दिया गया है। हाँ स्थान, ये देखिए इधर सारे घर ना डूब चुके, यहाँ तक आती है पूरी नदी। हाँ वो मंदिर का विलय भी इधर ही हुआ, हमारे दीपक भाई है गाइड कर रहे हैं हमें, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं भाई जी। ये चिन्याली का मेला, आई थिंक दैट क्रेजी। घर पे बताते हैं कि हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, बट पढ़ने नहीं आता, सारे मेला दिख जाते हैं। वाओ लुकिंग सो ब्यूटीफुल व्यू। कितने अच्छे अच्छे ये आ रखे हैं यहाँ, हॉरर कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है मेले से। एक बेटा मैं भी सोच रहा हूँ जाने। दोस्तों यहाँ सामने लिखा है 200 साल पुराना भूत बंगला।
अंकल जी मिले हैं और इनके स्टूडियो का नाम है भागीरथी रिकॉर्डिंग स्टूडियो और इनका एक ब्लॉगिंग चैनल भी है। मैं हूँ पहाड़ी से, तो आप इनका चैनल भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। एक बार इनका चैनल ज़रूर विजिट करना आप। मुझे भी अभी मिले हैं और इनका चेहरा छुपा रखा था इसलिए मैं इनको पहचान नहीं पाया। बहुत ही अच्छे व्यवहार के अंकल जी, तो बिल्कुल इनको भी सपोर्ट करना और कमेंट में जरूर बताना छिनियाली वालों जितने भी देख रहे हो कि अंकल जी को कितने लोग जानते हैं। यहाँ पर कवर मिल रहे हैं भाई जी, कितने के कवर? कितने के? 80 रुपए का, मतलब 20 रुपए डिस्काउंट है बस। एक रियलमी 5 का देखना। अगर आप यहाँ छिनियाली के मेले आओगे तो यहाँ पे पावर बैंक इत्यादि सब कुछ लगे हैं, बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे, बट देख के क्योंकि फ्रॉड भी होते हैं। और छिनियाली सौर मेले में कहाँ से ये? अच्छा, ये ब्रेकिंग डांस है यहाँ पर। और ये लगी है भेलपुरियाँ, मतलब अभी दुकानें खुली रही है कहीं कहीं पे। अनानास यहाँ पे, जूस ये है जूस यहाँ पे ना, बढ़िया वाला। मैडम आ जाओ। हैं मैडम, सर रहे हैं यार, सर है। मतलब क्या ही नशा, सस्ते वाले नशे। भाई जी आप क्या रिकमेंड करोगे यहाँ से कपड़े लेने के लिए? लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? लेने चाहिए, गर्म कपड़े अच्छे हैं। देखिए ये स्टील आर्ट पीस है, पर लेकिन बार्गेनिंग जरूर करें। हैं हाँ ये तो है। और यहाँ पर देखिए ये क्या बोलते हैं इन्हें, मैट? ना ना, इन्हें बोलते हैं कालीन। अच्छा ये कालीन है। अब ये पुराने राजा महाराजों के जमाने से चलती आ रही है, अकबर के जमाने, बादशाह अकबर के जमाने से। पर मुझे एक देना था ये बैठने वाला पायदान। पायदान हाउ मच दिस प्राइस? पायदान। और इधर समोसे समोसे जलेबी जलेबी भी लगी हुई है। इधर गन सूट भाई जी, कर दें गन सूट। और इधर लगे हुए हैं सारे। फायदा क्या है देख देख लो एक बार क्या सीन है। ये गन सूट यहाँ पर क्या करना है, क्या मिलेगा अगर क्या खाला? ये मुझे लग रही, ये कौन सी गन है? AK-47? ना ना, AK-47 नहीं, ये लोकल गन है। ये लोकल गन है, AK-47 का बदनाम ना करो भाई। और इधर गन सूट करो और जो जो आपको मिल सकता है ऐसे खाने पीने। और एक जुआ टाइप का होता है, जुआ ना, जुआ जुआ होता है ये जुआ। भाई कितने की, क्या छल्ले के क्या सीन है तुम्हारी इसके? 20 रुपए की। कितने का? 20 रुपए की। अच्छा 30 रुपए के कितने? 6। 30 रुपए के 6। और क्या क्या भाई, नाम दिखा देता हूँ आपको, पकड़ना भाई। देखिए इधर पैसे पूसे लगाए हुए हैं, आप खेल सकते हो, है कि नहीं? और इधर भी लगे हुए कुछ स्केल गेम, मतलब इसमें क्या सीन होता भाई जी आपका? मतलब ये नंबर भरने का। और देखिए वाव, LCD भी लिखी हुई है, देखिए सारी चीज़ें, मतलब होम थिएटर से लेकर सब कुछ है इधर। जब मैं पिछली बार आया था तो पिछली बार यहाँ पर क्या सीन था, मोबाइल वगैरह वगैरह भी थे, बट अभी मोबाइल देखने को नहीं मिल रहा है मुझे। बट ये बॉल उतनी आसानी से जाती नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्की है ये, ये जाएगी नहीं उतनी आसानी से। चलो सही है। यहाँ ये लगे हुए हैं कपड़े, आप कपड़े कुपड़े ले सकते हो। इधर खाने खोने के जैकेट जुकेट वगैरह वगैरह, जैकेट ले ले हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खाने खोने वाला सीन है। इधर देखिए आपको इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी, सुकुम्बर चाट भंडार। इधर आपको खाने खाने का मिलेगा सारा चीज़, चाट से लेकर हर एक चीज़ मिलेगी आपको अवेलेबल। छिनियाली का मेला जो है प्रतिवर्ष लगता है और आप यहाँ पर आ सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ आपको, जैसे माघ मेला नहीं उत्तरकाशी का ऐसी होता है, यही टीम यहाँ से फिर उत्तरकाशी जाएगी। और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे खेल, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, कपड़े कपड़े सब कुछ। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लोगे तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक बार सोच समझ के लेना, क्योंकि मैं लिया था एक पावर बैंक जिसने बहुत ही ज़्यादा गोल बना हुआ था। मेरे भाई जी को शायद कुछ लेने की सोच रहे हैं, जैकेट वगैरह वगैरह लेने की सोच रहे हैं। मेरे पीछे देखिए जैकेट ही जैकेट लगी हुई है। तो ये अलग अलग गलियाँ और ग्लव्स, और ये इस गली में सारे कपड़े कपड़े मिलेंगे आपको, वहाँ गाड़ियों में कपड़े, इधर कपड़े उधर कपड़े। इस बार मतलब पिछली बार से ज़्यादा भीड़ है इस बार, उप्पी वाला सीन। इधर लेडीज सूट टाइप के हैं, ग्लव्स टाइप के सारे। ये देखिए घर के लिए, किचन के लिए, देखिए वाओ कितने अच्छे, एक कफ कुफ है इधर और सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेंगे। बड़े भी हों और मोटे भी हों, चौड़ा नहीं अच्छी है वो, बहुत प्यारे लग रहे हैं खड़े वाले। और यार घर के लिए पर्दे पुर्दे हैं और सब कुछ यहाँ पर।
भाई जी यहाँ पर पर्दे लेने की सोच रहे हैं, इनको पसंद आता है तो चिनेमैन बहुत अलग है, गलियों गलियों में लगा हुआ है, अलग अलग गलियाँ बंटी हुई है। इधर ट्राउजर है, इधर देखिए स्टील स्टील के बर्तन बुर्तन आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे मेरे से पहले एक दो ब्लॉगर और आए थे, उन्होंने दिखा दिए होंगे, मैं हल्के में दिखा रहा हूँ। मतलब महंगाई तो बहुत है यहाँ चिनियाली में, ना मेला है जिस टाइप का उस टाइप का लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। ये पकड़ने काम, वाओ ये देखिए कोई फलानी देख रही है तो ले सकता है, जस्ट जोकिंग। इधर 70% तो कपड़ों की दुकान दिख रही है इधर सारे, इधर गलियां ही गलियां, चप्पलें ही चप्पलें, जूते ही जूते, ट्राउजर ही ट्राउजर। जब मेले आते हैं ना तो थोड़ा आंखें एकदम से हो जाती है। इधर है सोफे की कवर कुवर टाइप के लग रहा है, आज जैसे देहरादून का संडे मार्केट आ रहा है, वही लगा रहता है ऐसे सेल सेल फॉर 150। ट्राई कर रहे हैं कुछ लेने का, तो अभी तक तो मुझे कोई समझ में नहीं आया यहाँ से कि क्या लेना है, बट ये भाई जी देख रहे हैं लेने की कुछ ये तो मतलब नाइट भी होते हैं ना वो भाई, मतलब यहाँ लाइटें लगी हुई है नाइट में भी, मतलब हमें यहाँ पे 10 मिनट होने वाला है, भाई जी का भी पसंद नहीं आया कोई, मतलब यहाँ पे लग रहा है कुछ हमारे लिए। मैं तो एक बॉक्स लेना था, वहाँ से घूम के भी आ गए भाई जी को, अभी यहाँ से लिए एक और फुट कहीं कहीं तो सही चीज़ है सही में बिल्कुल ऑनलाइन हो गया आपकी दुकान है, पूरा जाएगा यार पूरा वीडियो बनाएंगे कहाँ से हो आप? हम यूपी से। अच्छा ये भाई जी यूपी से, ये किचे बैठी से। तो यहाँ पे आप कितने दिन के लिए आए हैं? यहाँ पे हम 12 दिन के लिए आए हैं, इसके बाद ये तुम्हारा उत्तरकाशी मांग मेला, उत्तरकाशी में जाएंगे तो जगह जगह हो गई सेट, जगह होगा तो सेट हो जाएगी, यहाँ से जाएंगे जब जाएंगे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा ये पहले बार लगा रहे या लगाते रहते हैं? वैसे तो हमें यहाँ पहली बार आए तो लगाते रहते हैं, लगाते तो पहले। अच्छा यहाँ पहली बार आए, उत्तरकाश डिस्ट्रिक्ट में पहली बार आए। उस लेडीज़ भी हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे तो भाई की दुकान से ज़रूर लेना कुछ ना कुछ, परचेज कर लेना बिल्कुल, परचेज कर लेना। हाँ बहुत अच्छे हैं, शोभा हो गए बहुत। और यहाँ पे देखिए फास्ट फूड समोसा, कितने का एक समोसा? मतलब गाय भी देखे लोगों ने क्या, मतलब क्या ही मतलब ही है, लोग जब तक दूध दी तब तक ठीक, उसके बाद नहीं दी छोड़ दी। एक झलक और ऐसा लग रहा है कि जो झोपड़पट्टी नहीं हो गया आज तो, ये देवी सौर का थोड़ा बहुत मार्केट जो बचा हुआ है और सारे झील में विलुप्त हो गया है। और हम मेले से ऊपर आ गए हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग करी, मैंने तो कुछ नहीं करी क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो मुझे मिला नहीं, तो देखते हैं आगे। तो इधर ही लगा हुआ है मेला सारा और सामने चले आ रही है।
पहले मेले के स्थान होते थे जलेबी और पकौड़ी, है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा लाजवाब। मग मेला जाती रले सांझड़ो तू मेलुले मग मेला जाती रले। तो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करा था और यहीं पे एंड करता हूँ। तो आई होप गाइस आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोग छिन्याली का मेला आ रहे हैं, और जो आना चाहते हैं वो भी कमेंट करना, क्योंकि अभी मैं 24 तारीख फिर आऊँगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।